وان تو ثري. ناري ناري حبك أبد ما طفى. Welcome and welcome back to my channel. और मेरी channel के नाम है Queen Chai Style. And आज का मेरा video आप देखते ही पहचान सकते हैं कि मैं क्या video बनाई हूँ. And ये look मैंने create किया है करवा चौथ के लिए. And ये करवा चौथ का जो भी festival है ये बहुत important and खास चीज होती है लड़कियों के लिए. Hey guys, subscribe to my channel and hit the bell icon over there to be notified as soon as I post my new videos. Thank you. And guys, अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए and hit the bell icon over there so that you will be notified as soon as I post my new videos. So stay tuned for my next video and. आसमान में जब तक सितारे रहेंगे हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे नजदीकियां. So did you like my earrings? अगर आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइए. एंड ये लुक मैंने क्रिएट किया है बहुत ही इजी एंड सिंपल वे पे. आप चाहे तो आप पल्लू भी लगा सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू. हाँ, जब पूजा सब होता है तब आप पल्लू लगाना ज़रूरी है, बट द होल डे आप बिजी रहेंगे, अच्छे से रेडी होके आप काम करेंगे तो आपको माइंड भी अच्छा फील होगा. सो लेट्स गेट इन टू द वीडियो एंड लेट्स सी कि मैंने ये लुक कैसे क्रिएट किया है एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. जान तो वो भी लेता है जो तड़पाता है और फिर खुद ही मरम बन जाता है. इश्क हाय मैं मर जाऊं. एंड गाइस, मेरी तरफ से आप सभी लोगों को हैप्पी करवा चौथ एंड आप सब लोगों के पति 100 इयर्स खुशी से रहे एंड आपकी कपल्स भी खुशी से रहे. सो आप पूरे दिन भूखे रहेंगे बट स्टिल आपको खाना पकाना होता है एंड द स्मेल, ये सारी चीज़ें आपको होती है. बट आप अगर मेकअप करेंगे तो आपके माइंड भी फ्रेश होगी. एंड ये लुक मैंने क्रिएट किया है बहुत ही सिंपल एंड इजी वे में. ज़्यादा कुछ में टाइम नहीं लेता है, बस आपको 15-20 मिनट्स में ख़त्म हो जाती है. आप जैसे कि देख सकते हो मेरा आईज ब्लैक और कॉपरिश रेड के साथ एक लुक क्रिएट की हूँ. एंड लुक एट माय बिंदी विथ माय मांग टीका. नो दिस इज सिंदूर सिंदूर. हम स्टार्ट करेंगे विद द मॉइस्चराइजर. अच्छे से मॉइस्चराइज कर लीजिए, अपने स्किन प्रेप्ड होना बहुत ज़रूरी है मेकअप लगाने से पहले. एंड इसके साथ साथ मैं लगाऊंगी फेस सीरम जो कि गुड वाइब्स की है. एंड मेरी स्किन बहुत ड्राई है सो ये लगाने के बाद मुझे बहुत ही यू नो सॉफ्ट फील होती है, मॉइस्चराइज हाइड्रेटेड फील होती है. सो या अपने स्किन के साथ साथ आप अपने लिप्स का मत भूलिए गाइस. अप्लाई एनी लिप बाम जो कि आपके पास है. एंड विल स्टार्ट अप द मेकअप बाय स्टार्ट अप विद प्राइमर कलर बार की एंड दिस इज माय फेवरेट प्राइमर. एंड गाइस, अगर आप ये मेकअप लुक मॉर्निंग कर रहे हो तो आप सनस्क्रीन लगाना मत भूलिए. मैं इवनिंग पे ये लुक कर रही हूँ सो इसलिए मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ सनस्क्रीन. सो मैं अपना मेकअप स्टार्ट करूँगी अपने आई मेकअप से. एंड बिफोर आई स्टार्ट अप द मेकअप कंसीलर लगाना है सो मैं स्विस ब्यूटी का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ. अगर आप चाहो तो आप इवन आई प्राइमर यूज़ कर सकते हो बट मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ ताकि मेरी जो भी डार्क सर्कल्स एंड ऑल है वो क्लीन से हट जाएगी एंड जो भी कलर मैं अप्लाई करूँगी वो अच्छे से स्टे होगी आइज़ के ऊपर. सो जैसे कि आप देख सकते हो मैं स्विस ब्यूटी का पैलेट से ही आज मेरी लुक क्रिएट करने वाली हूँ. एंड
आप थोड़े थोड़े से कलर मतलब लाइट कलर से स्टार्ट कीजिए अपने आई मेकअप एंड डार्कर शेड तक जाइए। अब सीधा डार्क शेड मत लगाइए ताकि वो यू नो बहुत हार्श लाइंस दिखेगी एंड बहुत ही यू नो अनप्रोफेशनल दिखेगी। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे विद द ट्रांजैक्शन शेड जो कि बहुत ही यू नो लाइट शेड है एंड ग्रीस के ऊपर आप अच्छे से प्लेस करके उसको ब्लेंड कर लीजिए। आप आराम आराम से बिल्ड करना पड़ेगा शेड को क्योंकि जैसा कि मैं आपको बताई थी कि एकदम से आप डार्क शेड मत यूज़ कीजिए। एंड ऑफ कोर्स ये करते हुए टाइम तो बहुत लगती है क्योंकि अच्छे से ब्लेंड करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आप ब्लेंड नहीं करेंगे तो फिर बहुत ही गंदे से दिखेगी। एंड फाइनली आई एम अप्लाइंग द डार्क शेड दैट इज़ ब्लैक इन द कॉर्नर ऑफ माई आई लिड। सो आप देख सकते हो कि कितना डिफरेंस आएगी। एंड गाइज इसमें आप अर्जेंट में जल्दी में मत कीजिए, आराम से टेक योर ओन टाइम एंड ब्लेंड इट नाइसली। जितना अच्छे से आप टाइम लेके करोगे उतना लॉन्ग टाइम तक रहेगी आपकी आई मेकअप। और मैं अभी अपने इनर वी पे लगाऊंगी कंसीलर ताकि मैं शिमर शेड अप्लाई करूं और अच्छे से प्लेस हो जाए। सो मैं हाथ पे ब्लेंड कर रही हूं अच्छे से एंड ब्लेंड करने के बाद आप जैसे कि देख सकते हो शिमर शेड मैं अपने हाथ से पिक करके लगा रही हूं। ये एक्चुअली बहुत ही ब्यूटीफुल शेड है, कॉपरिश रेड जैसा दिखती है। एंड अगर आपको भी पसंद आए तो इन सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, सो आप उधर से खरीद सकते हो। एंड अभी मैं ब्रश की मदद से दोनों शेड को अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। उसके साथ साथ जो भी डार्क शेड मतलब ब्लैक शेड में लगाई थी कॉर्नर पे तो वो मैं थोड़े से और इनहांस करके कलर दे रही हूँ अपने आउटर वी पे। एंड जो भी एक्स्ट्रा एक्सेस है वो सारे डस्ट आउट कर लीजिए। सो अभी कंप्लीट हो गया मेरा आई शेडो वाला पार्ट एंड नाउ विल अप्लाई द लाइनर। एंड जैसे कि आप देख सकते हो मेरी आईज पे बहुत सारे रिंकल्स है, बट दैट्स ओके क्योंकि हेरिडिटी की प्रॉब्लम है। सो मैं बचपन से मुझे ऐसे ही है एंड इग्नोर दैट गाइस, आई नो कि थोड़ा बहुत गंदे से दिख रहा होगा आपको। सो या लेट्स मूव ऑन टू द आई लाइनर। एंड मैं लगा रही हूँ एक छोटे से विंग जैसा कि आप देख सकते हो। इसके बाद कर्ल योर लैशेज, अप्लाई द मस्कारा एंड फॉल्सीज अप्लाई कर लूंगी मैं। सो आई एम डन विथ अप्लाइंग द मस्कारा फॉल्सीज एंड अभी शुरू करेंगे हमारा फेस मेकअप। सो फेस मेकअप स्टार्ट करने से पहले अच्छे से डार्क सर्कल्स जो भी पिगमेंटेशंस है वो सारी चीज़ों को हटाने के लिए आई एम गोइंग टू यूज NYBAKEY ऑरेंज करेक्टर। इसको मैं हाथ पे ही अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी एंड ब्लेंड करने के बाद आप देख सकते हो कि मेरी स्किन में कितना डिफरेंस है। बहुत ही यू नो क्लियर बना दिया अपने स्किन को। एंड इसे मैं सेट नहीं कर रही हूँ क्योंकि जैसे कि मैं आपको बताई थी कि मेरी स्किन बहुत ही ड्राई है एंड मैं पाउडर लगाऊंगी तो फिर मेरा फाउंडेशन के साथ साथ और भी बहुत ही ड्राई बन जाएगी। एंड आज मैं यूज़ करने वाली हूँ फिट मी की फाउंडेशन जो कि मैटिफाइंग है एंड ये बहुत देर तक लॉन्ग लास्टिंग भी है। थोड़े बहुत ऑक्सीडाइज हो जाती है बट दैट्स ओके फॉर द ओकेशन। सो मेरी शेड है 310 सन बेज। आप कैलकुलेट कर सकते हो कि मेरा स्किन शेड क्या है। सो या अभी मैं ब्रश के मदद से उसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। इसे ब्लेंड करने के बाद थोड़े बहुत मेरी डार्क सर्कल्स दिख रही है, उसको हटाने के लिए मैं थोड़े से NYBAKEY गोल्डन शेड वाला कंसीलर यूज़ कर रही हूँ अपने हाईलाइट पॉइंट्स पे एंड उसे भी अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। एंड आप बहुत ही डिफरेंस दिख सकते हो आपको पहले की स्किन से लेके अभी तक। एंड मेकअप वर्क्स द बेस्ट गाइस, अगर आप परफेक्टली करेंगे ना तो आपको स्किन बहुत ही नेचुरली दिखेगी। सीरियसली एक बार ट्राई करके ज़रूर बताइए जो लोग मेकअप यूज़ नहीं करते हो। एंड इतने सारे प्रोडक्ट्स लगाने के बाद अपने फेस के ऊपर अभी मैं लगा रही हूँ कॉम्पैक्ट ताकि सेट करने के लिए मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगी, बहुत थोड़े यूज़ करूँगी। लेकिन आपकी ऑयली स्किन हो तो आप हर बार आप यूज़ करना ही पड़ता है कॉम्पैक्ट, नहीं तो आपको बहुत ही ग्रीसी बन जाएगी स्किन।
एंड फॉर द काजल आई एम यूजिंग स्टे क्योर की बैड एस काजल अपर लाइन पे एंड ऑल्सो इन द लोअर वाटर लाइन. एंड ये थोड़ा सा थिक बनाने के लिए मैं स्विस ब्यूटी का आई शेडो पैलेट के मदद से थोड़ा ब्लैक शेड लेके कर रही हूँ. उसके साथ साथ अपने आईब्रोज को भी फिल कर लूँगी विद द सेम डार्क ब्लैक शेड. मैं ब्राउन लगाऊंगी तो वो बहुत ही लाइट बन जाएगी. सो मेरी आईब्रोज की शेड मतलब ब्लैक है तो वही मैं यूज़ कर रही थी. एंड गाइज डोंट फॉरगेट टू कॉन्टोर, तभी तो आपके फेस पे स्कल्प्ट लुक आएगी एंड बहुत खूबसूरत दिखेंगे. एंड आज मैं यूज़ कर रही हूँ शुगर की ब्रॉन्सर. उसी पैलेट की मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लश. एंड ये बहुत ही मैट वाला ब्लश है जो ज़्यादा भी नहीं दिखेगी एंड कम भी नहीं दिखेगी. इट लुक्स परफेक्ट क्योंकि मेरी आई लुक बहुत ही यू नो ज़्यादा है. सो इसलिए मैं सोची कि ब्लश थोड़े से कम रहेंगे. एंड गाइज इसकी हाइलाइटर मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही यू नो डिफरेंस दिखाई देती है. एंड ऑल्सो आई एम अप्लाइंग द सेम हाइलाइटर इन माई इनर कॉर्नर ऑफ माई आईज. सो लिपस्टिक मैं आज यूज़ कर रही हूँ एस क्यू की जो कि रेड कलर है. दिस इज़ द परफेक्ट वन फॉर योर फेस्टिव सीजन. जैसा कि करवा चौथ पे हम लोग यूज़ करते ही है रेड कलर. सो गाइज मैं अपने लोअर लैशेस पे लगा रही हूँ मस्कारा. एंड मूविंग ऑन टू द लास्ट स्टेप इज बिंदी लगाना. एंड दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन ऑल दीज. इसके साथ साथ मुझे बताना गाइस कि मेरा फेस कैसा दिख रही है बिंदी के साथ. एंड आई वॉज फीलिंग सो यू नो डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग व्हेन आई वॉज अप्लाइंग सिंदूर ऑन माय फोरहेड. आप जैसा कि देख सकते हो मेरे फेस की रिएक्शन कैसा बदल जाती है. एंड गाइस ये कंप्लीट होती है मेरी आज की लुक. वॉचिंग माई वीडियो. आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे. एंड दिस इज समथिंग न्यू एंड डिफरेंट फॉर मी. करवा चौथ फर्स्ट करवा चौथ है मेरी यूट्यूब के साथ, मतलब यूट्यूब वीडियोज के साथ. सो आई होप कि आपको पसंद आए गाइज. सच में अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिए. एंड इसके बारे में कुछ ना कुछ आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए. आपको अच्छा लगे या नहीं लगे तो भी ठीक है, बट कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए. एंड अगर आपको कोई आइडियाज हो तो आगे प्लीज़ मुझे बोल दीजिए कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो पे वो आपके साथ शेयर करूँगी. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून फॉर माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय एंड स्टे ब्लेस्ड. Yeah.